हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी क्लास 7। ओके, आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है ना। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, आपने इसको लिख के भी सबमिट कर दिया है। अब हमारे पास है चैप्टर 14। ठीक है, चैप्टर 2 के पहले जो है पेज नंबर 14 है, उसमें आपको एक पढ़ने के लिए दिया गया है। देखिए यहाँ पे, खुदा तुम्हारे पास क्यों रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सूरज के बारे में लिख रहा है, तुम रश्मियों के रथ में सवार होकर रोज आते हो मुझ तक, मेरी संतान को अपनी ऊर्जा से भर देते हो, किंतु बदले में कभी कुछ न लेते हो, बस निस्वार्थ भाव से जग को प्रकाशित कर देते हो। ठीक है, सूरज के बारे में क्या बोल रहा है, आपको पता है ना। रोज़ सुबह जब सुबह होती है तो किसे होती है, जब सूरज उगता है तो क्या होती है, मॉर्निंग होती है ना। तो वो क्या होता है, देखो बहुत सारा प्रकाश लेके आता है, हमको ऊर्जा से भर देता है ना। हमारे दिन की नई शुरुआत होती है, हर रोज़ हम जब उठते हैं तो क्या होती है, हमारे दिन की शुरुआत होती है, एक नई शुरुआत होती है ना। लेकिन वो हमको इतना कुछ देता है, लेकिन बदले में क्या लेता है, क्या कुछ हमसे, वो हम उसको कुछ देते हैं क्या, सूरज को हम उसको बदले में कुछ भी नहीं देते हैं, है ना। लेकिन वो हमको निस्वार्थ भाव से क्या करता है, जग को प्रकाशित करता है और हमको ऊर्जा से भर देता है। इसी तरीके से चांद के बारे में देखो दिया है, सांझ ढलते ही तुम आते हो अपनी शुभ्र ज्योतना से, दिसी दिसी को भर जाते हो, तुमने सिद्ध कर दिया कि मांगना आज तक एक भीख ही है, किंतु इस जग के नाम कर देना एक सुंदर सीख भी है। ठीक है, चांद के बारे में क्या हो रहा है, जब सूरज ढल जाता है तो क्या होता है, सांझ ढलते ही चांद आ जाता है ना। तो क्या बोल रहा है कि तुम जब शाम होता है तो सांझ ढलता है तो तुम आ जाते हो और अपनी शुभ्र ज्योतना से क्या करते हो, प्रत्येक दिशा को अपनी रोशनी से भर जाते हो, है ना। और तुमने सिद्ध कर दिया है कि मांगना जो है क्या है, आज तक एक भीख ही है, किंतु इसे जग के नाम कर देना एक सुंदर सीख है। ठीक है, अगर किसी को हम कुछ देते हैं तो क्या होता है, हमारा नाम होता है, तो एक अच्छा सीख है, सुंदर सीख है ना। और हम किसी से मांगते हैं तो क्या कहलाता है, वो भीख ही है ना। तो ये चांद के बारे में इस तरीके से बता रहे हैं कि शाम होती है जब तुम ढलते हो, तुम आते हो तो अपने शुभ्र ज्योतना से चारों दिशाओं को जो है क्या करते हो, भर जाते हो। सितारों के बारे में देखो क्या बोल रहे हैं, फलक पर टिमटिम कर तुम निराश मन में आशा भरते हो, रात रात भर जगमगा कर तुम निशा को सुंदर करते हो, है ना। सितारे जो है क्या होते हैं, वो भी रात में आते हैं, जब चांद होता है तब भी सितारे होते हैं, है ना। आसमान में देखो यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वो टिमटिमाते रहते हैं सितारे, और क्या करते हैं, जब हम सितारे को देखते हैं तो हमको कितना अच्छा लगता है ना, हम अपनी सारी निराशा जो है खो बैठते हैं, और हमको क्या, एक उम्मीद की किरण दिखती है, एक हमको अच्छा लगता है कि हाँ हम कल मॉर्निंग में अब ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसे करके होता है ना। और रात रात भर जगमगा कर तुम निशा को सुंदर करते हो, पूरे रात भर टिमटिमा टिमटिमा कर तारे जब टिमटिमाते रहते हैं, तो जब हम आसमान को देखते हैं तो हमको बहुत सुंदर लगता है। तो उसी को बोला जा रहा है कि रात को तुम सुंदर बनाते हो, है ना, जब तारे टिमटिमाते हैं तो रात को सुंदर बनाते हैं। आकाश के बारे में लिखा हुआ है, अब जाना खुदा तुम्हारे पास क्यों रहता है, जिसके पास सूरज चांद सितारों सा दिल है, उसे छोड़कर खुदा कहाँ जा सकता है। ठीक है, आकाश के बारे में बोल रहा है कि अब जाने हैं कि आकाश के पास खुदा जो है क्यों रहता है, क्यों रहता है, उसके पास चांद सूरज है ना, सितारों जैसा दिल है, तो उसको छोड़कर जो है खुदा जो है कहाँ जाएंगे, भगवान जो है कहाँ जाएंगे, इसी के लिए खुदा तो उनके पास रहता है। ठीक है, इसको डॉक्टर रंजना ने लिखा हुआ है कि खुदा तुम्हारे पास क्यों रहता है ना। ये आकाश के बारे में है कि आसमान में खुदा जो है क्यों रहता है, तो उनके पास चांद सितारों सूरज जैसा एक दिल है उनके पास, इसके लिए वो उनको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता, इसलिए वो उनके पास रहता है। ठीक है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था, आप इस बुक को एक बार पढ़िएगा। ठीक है, इसको गाना गा के इसका वीडियो सेंड करिएगा मेरे को। ओके, ये पूरा आप गाना गाइएगा एक ठो, सिर्फ सूरज के लिए भी हो सकता है, या चांद को लेके ले सकते हो, या सितारे को लेके, या तो फिर आकाश को लेके, लेकिन छोटा सा आपको इसको एक सॉन्ग टाइप का इसको गाना है और वीडियो सेंड करना है। ओके, ये आपका टुडे योर होमवर्क है। ओके, ये आपका आज का होमवर्क है, ये आप करोगे। ओके, अभी के लिए थैंक यू।